हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विटामिनों के रासायनिक नाम एवं रोग, वो भी ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से हम इन विटामिनों के रासायनिक नाम और रोगों को चुटकियों में याद रख लेंगे, तो इसके लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों यह जान लेते हैं कि विटामिन कितने होते हैं। तो मोस्टली जो विटामिन होते हैं दोस्तों, वह छह ही होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, जिसको विटामिन बीमर भी बोलते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन की, मोस्टली ये छह ही होते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये बी के प्रकार भी कुछ हैं, कुछ बी के प्रकार भी हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, इस प्रकार से बी के प्रकार भी हैं। तो यहाँ पर विटामिनों की जो संख्या है ना, बढ़ जाती है। तो उसकी भी आपको दोस्तों बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बी के प्रकार भी हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में याद कर लेंगे। तो पहले दोस्तों हम इसको याद कर लेते हैं जो मेनली विटामिन होते हैं, इसके बाद हम विटामिन बी के प्रकार को भी चुटकियों में याद करेंगे। तो आइए दोस्तों हम इस देखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है। तो दोस्तों हमारी जो ट्रिक है जो विटामिनों को रासायनिक नाम याद करने की, वह है रथ एक ट्रॉफी है। क्या बोला दोस्तों मैंने? रथ एक ट्रॉफी है। इस ट्रिक के माध्यम से हम रासायनिक नाम बिल्कुल चुटकियों में याद कर लेंगे। तो बस आपको दोस्तों रखना क्या है याद, रथ एक ट्रॉफी है। क्या बोला? रथ ट्रॉफी तो है, जहां चाहे ले जाओ, जहां मर्जी वहां ले जाओ, जब चाहे जब ले जाओ। तो रथ एक क्या है? ट्रॉफी है। रथ एक ट्रॉफी है। तो राशि क्या दोस्तों? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। था से क्या दोस्तों? थायमिन। तो विटामिन बी या B1 का नाम क्या हो गया? थायमिन। दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, विटामिन जो बी होता है उसे कोई बोलते हैं हम B1। तो विटामिन बी का दोस्तों क्या हो गया? थायमिन। विटामिन सी, अब सी मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमारा क्या आया? का। तो विटामिन सी का दोस्तों क्या हो गया? एस्कार्बिक अम्ल का आया। तो विटामिन डी का क्या हो गया दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट है हमारा विटामिन टा, तो टा से क्या आ गया दोस्तों? टोकोफेरॉल। तो विटामिन जो ई है उसका रासायनिक नाम क्या आ गया? टोकोफेरॉल। इसके बाद दोस्तों आ गया हमारा फा, तो फा बोले तो फाइलोक्विनोन। क्या बोला? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। तो विटामिन जो के है दोस्तों, वो हमारा है फाइलोक्विनोन। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस ट्रिक के माध्यम से रासायनिक नाम को चुटकियों में याद रख सकते हैं। तो इसलिए एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं दोस्तों, रा से रेटिनॉल, था से थाइमिन, ए से एस्कार्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फा से फाइलोक्विनोन। तो इस प्रकार से हम रासायनिक नामों को चुटकियों में याद रख सकते हैं। बस आपको रखना है रथ एक ट्रॉफी है। इसके बाद दोस्तों इनके हम जो रोग होते हैं उनको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में याद रख सकते हैं। तो रोगों की ट्रिक है दोस्तों, रब से राम पर क्या करें। रब तो राम ही होते हैं, लेकिन आजकल जाने क्या लोग क्या क्या कहते रहते हैं, उसको भरोसा नहीं करना दोस्तों। आपको तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, तो रब से राम, रब तो रब जो है ना वो राम ही है, तो रब से राम पर जाने क्या कहते रहते हैं दोस्त, उसको अपन को याद नहीं रखना। बस आपको तो इतना रहना है कि रब से राम पर तो भाड़ में जाने दो, इसके बाद भाड़ में जाने दो, हमें तो राम जी भगवान है उनसे ही मतलब रखना है। तो रब से राम पर जाने दो। तो यहां से दोस्तों रा से विटामिन ए का जो कमी से होने वाला रोग है वो है रतौंधी, तो रा से बनेगा रतौंधी। अब बना दोस्तों बा, तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बा, बाफोर बेरी बेरी। यहां पर नेक्स्ट आया है शा, तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों होने वाला रोग है वो है स्कर्वी, क्योंकि शाफर होता है क्या? स्कर्वी।
तो साफ और इश्कर्वी। दोस्तों इश्कर्वी के बारे में बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो इश्कर्वी है वो मसूड़ों से संबंधित रोग होता है। जैसे मसूड़ों में सूजन आती है, मुंह से बदबू आती है, तो इस प्रकार का अगर मसूड़ों से संबंधित या मुंह से संबंधित जो रोग होता है उसे हम कहते हैं इश्कर्वी। इसके बाद दोस्तों हमारा आया रा, रा फॉर रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होगा दोस्तों उसे हम बोलेंगे रिकेट्स। इसको हम बोलते हैं सूखापन भी। तो जिसको सूखापन हो जाता है, आपने देखा होगा कि सूखापन वाले बहुत से रोग, बहुत से व्यक्ति हमें मिलते हैं, तो उन्हें क्या हो जाता है रिकेट्स। तो उनको आपको सलाह देनी चाहिए कि विटामिन डी खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा आया राम। तो राम से पूरा हमारा हो गया रिकेट्स। राम से बनाया दोस्तों हमने, पूरे राम से बनाया रिकेट्स। इसके बाद हमारा है पर। तो पासे प्रजनन शक्ति में कमी। तो जो विटामिन ई होता है दोस्तों, अगर हम विटामिन ई नहीं लेंगे तो प्रजनन शक्ति में हो जाती है कमी। अब रा, तो रा फिर आ गया दोस्तों। ये जो रा है इस रा से बनेगा रक्त का थक्का ना बनना। तो मतलब क्या है, जो दोस्तों विटामिन के होता है उसकी कमी से जो रोग होता है वो है रक्त का थक्का ना बनना। तो यदि दोस्तों हम विटामिन के को नहीं लेते तो रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर हमारा हाथ पैर कहीं से थोड़ा बहुत कट छिल जाता है तो वहां से ब्लड निकलने लगता है। हम देखते हैं दोस्तों कुछ देर बाद की जो ब्लड रुकना सॉरी रुक जाता है, निकलना बंद हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में हमने यह भी देखा है कि ब्लड निकलता रहता है, निकलता रहता है, बंद होते का नाम ही नहीं लेता। तो क्या होता है, उनमें विटामिन के की कमी होती है। तो उनको हमें क्या करना है, विटामिन के को खाने की सलाह देनी है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे जो विटामिनों को और विटामिनों के रोग को याद रखने की ये ट्रिक है, रब से राम पर क्या करें। तो यहां से राफ और रतौंधी जो विटामिन ए का रोग है, बाफ और बेरी बेरी जो विटामिन बी का रोग है, साफ और इश्कर्बी, इश्कर्बी मतलब सी, विटामिन सी का रोग है, राम, अब राम से क्या हो गया रिकेट्स जो किसका रोग है दोस्तों विटामिन डी का। अब है आ गया पा। तो पा फॉर प्रजनन शक्ति में कमी जो किसका है दोस्तों ई का, और राफ और रक्त का थक्का ना बनना जो दोस्तों किसका है विटामिन के का। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको तो विटामिन याद रखना है, सीरियली आपको हो ही जाएंगे। आपको तो पता है विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए बी सी डी ई के, बस ये विटामिन है। और कंटिन्यूअसली आपको या नाम याद हो जाएंगे। और दोस्तों यदि आपको बी के प्रकार, जो बी के प्रकार हैं उनको भी आप देखना चाहते हैं तो उनको भी हम एक अगली वीडियो में देख लेंगे बहुत आसान ट्रिक से। जिस प्रकार की ट्रिक देखो दोस्तों मैंने अभी देखी है ना, इसी प्रकार की ट्रिक आप देख सकते हैं अगली वीडियो में विटामिन बी के प्रकार को भी जानने के लिए। तो वेट कीजिएगा दोस्तों कि कब वह वीडियो आ रही है। तो इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इनके स्रोत की बात करूं, यदि आप नहीं जानते हैं विटामिन के स्रोत क्या होते हैं, तो दोस्तों विटामिन के स्रोत एग्जाम में बहुत कम पूछता है और पूछता नहीं है। इसका कारण ये है कि सभी विटामिनों में लगभग लगभग समान स्रोत हैं। अंडा, दूध, हरी सब्जी। आप अंडा, दूध, हरी सब्जी खाओ दोस्तों, अंडा, दूध, हरी सब्जी, बीज वाली सब्जी खाओ तो आपको कभी भी विटामिनों की कमी नहीं होगी। कभी भी विटामिनों की जब कमी नहीं होगी तो हम रहेंगे हष्ट पुष्ट। तो इसके बाद दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बाद में देखते हैं, फिर देखते हैं। तो दोस्तों जब तक के लिए अलविदा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो फिर आप समझें कि मेरा ही नुकसान है और आपका भी नुकसान है। थैंक यू वेरी मच।